मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों की स्थिति की जानकारी लेने के लिए झारखंड पुलिस और श्रम विभाग के अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल तमिलनाडु पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने दौरा कर तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों और प्रवासी श्रमिकों से बातचीत कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। प्रतिनिधि मंडल को वहां के अधिकारियों ने बताया कि एक पुराने मामले के तथाकथित घटना का वीडियो सोशल मीडिया द्वारा वायरल किया गया। अधिकारियों ने कहा, प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा तमिलनाडु सरकार के लिए सर्वोपरि है। प्रतिनिधि मंडल को यह भी बताया गया कि सावधानी बरतते हुए उत्तर की दिशा में जाने वाली ट्रेनों में RPF के अतिरिक्त बल को तैनात करने का निर्देश भी तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रम विभाग और झारखंड पुलिस को तमिलनाडु सरकार के संबंधित अधिकारियों से निरंतर संपर्क स्थापित कर प्रवासी श्रमिकों को हर संभव सहायता करने और जरूरत पड़ने पर प्रवासी श्रमिकों की राज्य वापसी का निर्देश भी दिया है। प्रवासी श्रमिकों को कोई भी परेशानी होने पर तमिलनाडु और झारखंड सरकार द्वारा नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की बात कही है। तमिलनाडु पुलिस द्वारा जारी नंबर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि CM के निर्देश पर पुलिस तमिलनाडु पहुंची है। श्रम विभाग के प्रतिनिधि मंडल भी उनके साथ हैं। तमिलनाडु में अधिकारियों से उन लोगों की मुलाकात हुई और नंबर भी जो है वो आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसमें लैंडलाइन नंबर भी शामिल है। देख सकते हैं कि तमिलनाडु पुलिस द्वारा नंबर जारी किया गया है, जिसमें झारखंड सरकार ने भी अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया है।